नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 132 है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले मैथ और रीजनिंग के दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, और लास्ट में भी बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, टेस्ट के तौर पे जरूर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर नीचे दिए गए संभावित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान कहां है दोस्तों, यहां पे। तो देखिए, ये एक दोस्तों एक श्रृंखला है, श्रृंखला ऐसे चल रही है, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न कभी भी आए श्रृंखला से रिलेटेड, आगे संख्या पूछे क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसे चल रही है, संख्याएं कैसी हैं। कहने का मतलब है, देखिए 3 है, 10 है, 29 है, 66 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां पे क्या थोड़ा सा नोटिस दोस्तों ये करना है आपको, कि ये देखना है कि 3, 10, 29, 66 क्या ये स्क्वायर या किसी क्यूब के करीब है, स्क्वायर या क्यूब के करीब है। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे, ये दोस्तों जो 66 है ना, ये 64 के करीब है, ये 29 है ना, ये 27 के करीब है, ये दोस्तों 10 है ना, ये किसके करीब है दोस्तों, ये 8 के करीब है, और ये दोस्तों जो 3 है ना, ये 1 के करीब है। देखिए अब यहां पे समझा रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये 3 है ना दोस्तों, ये क्या है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए अगला संख्या देखिएगा, ये दोस्तों जो 10 है ना, ये क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब प्लस 2 है। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 × 1 = 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 29 है ना, ये किसके करीब है, ये 3 के क्यूब प्लस 2 है। क्या है दोस्तों, ये 3 का क्यूब में 2 जोड़ देंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29। ये देखिए ये किसके करीब है दोस्तों, ये 4 के क्यूब प्लस 2 है। ठीक है, 4 के क्यूब के करीब है, यानी 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 2 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। आगे दोस्तों बताइए, यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा 5 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब होता है 125, और इसमें 2 जोड़ लेंगे। ठीक है, 125 में 2 जोड़ेंगे, होगा क्या दोस्तों, 127 होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, 127 होगा। देखिए 127 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा ये रहा दूसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, उस आकृति को चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है। तो क्वेश्चन को एक बार समझा रहा हूं दोस्तों, यहां पे 4 आकृति दी गई है, ABCD, इसमें से दोस्तों 3 एक जैसे हैं, 1 अलग है, उसी की पहचान करना है। तो देखिए कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी अलग है, मैं बता रहा हूं आसान तरीका। देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, देखिए यहां पे क्या है, सर्कल है, यानी गोला है दोस्तों, या वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, हाफ फोल्ड किया है, उसके बाद से इधर क्या किया है, लाइन ऐसे ऐसे किया है, उसके बाद से 3 बिंदी है। इसमें भी दोस्तों आधा पार्ट किया है और 3 बिंदी किया है। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या है दोस्तों, यहां पे भी एक फिगर है, देखिएगा ट्रायंगल है, इसमें भी आधा पार्ट किया है और 3 बिंदी है, इसमें भी दोस्तों क्या किया है, आधा पार्ट किया है, 3 बिंदी है। तो दोस्तों यहां पे जो चीज है, सब आपको देखने में दोस्तों लगेगा कि एक कॉमन ही है, यानी कि एक जैसे ही फिगर दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, देखिए इसमें कौन सा अलग है मैं बता रहा हूं। देखिए ये क्या किया है, आधा पार्ट किया है, ऐसे किया है, देखिएगा आधा पार्ट बीच से ऐसे किया है, ये वाला भी आधा पार्ट किया है, ऐसे किया है, ये वाला आधा पार्ट किया है दोस्तों, ऐसे किया है, ये वाला आधा पार्ट किया है दोस्तों, ऐसे किया है। देखिएगा
अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कौन सा अलग है, कौन सा अलग है? ऑप्शन नंबर सी अलग है, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर से नीचे की तरफ आधे पार्ट किया है, जबकि अन्य ए बी और डी बीच से ऐसे पार्ट किया है। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये पार्ट किया है तो ऐसे किया, ऐसे किया, जबकि ये वाला क्या किया है, ऊपर से नीचे किया है, और ये वाला ऐसे किया है, यानी तीन एक जैसे हैं, ए बी डी एक जैसे हैं, जबकि सी क्या है दोस्तों, अलग है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न, और इसका आंसर आयोग ने सी को ही राइट माना है, ठीक है, यानी कि इसी आधार पर इसका आंसर दिया गया है। देखिए अब इसी देखिए किस ऑप्शन में, तो देखेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ये क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी दोस्तों है, सिंपल तरीका ये होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों यहां पे ए मान लेंगे, यहां पे देखिए ये कहने का मतलब ये नहीं, आज मान लेंगे, ये वाला जो लाइन है ना दोस्तों, ये किसका लाइन है, आज का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि बीते कल से, बीता हुआ कल ये रहा, से पहले बृहस्पतिवार, यानी कि से पहले वाला दिन कौन होगा, ये वाला होगा, से पहले वाला कौन होगा, ये वाला होगा, और इसी को दोस्तों क्या बोल रहा है, बृहस्पतिवार बोल रहा है, तो रविवार कब होगा। देखिए ये बृहस्पतिवार है, आगे क्या होगा, शुक्रवार, उसके आगे ये यानी कि आज वाला शनिवार, आगे क्या होगा दोस्तों, रविवार, यानी रविवार कब होगा दोस्तों, आज के बाद, यानी कि आने वाला कल क्या होगा, रविवार होगा। देखिए आने वाला कल किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में बस आप क्या करेंगे दोस्तों, आज मान लेंगे, ये आज है, कह रहा है बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था, ये बीता हुआ कल हो गया, ये पहले वाला बृहस्पतिवार हो गया, पूछ रहा है रविवार कब होगा, तो रविवार, देखिए ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, आगे क्या होगा, रविवार, यानी कि आने वाला कल क्या होगा, रविवार होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और मैं समझ रहा हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, नीचे पांसे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, अंक पांच के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, अंक है पांच कहां, देखिए पांच अंक कहां है, यहां पे, अब विपरीत सतह कौन सा होगा, जो इस साइड में दोस्तों नहीं दिख रहा है ना फलक, जो नहीं दिख रहा है उसी पे पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सिंपल तरीका आपको बताया ना, पांच के पूछ रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, तीन और चार है, क्या देखिए दूसरे में तीन और चार है, तो नहीं सिर्फ तीन ही है, चार नहीं है, तो कॉमन वाला तुरुल यहाँ पे लगेगा नहीं, तो देखिए अब क्या करेंगे, पहला पासा है दूसरा पासा है, ठीक है, दो स्थिति है ना, तो अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन अंक कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए दोस्तों दोनों में देखेंगे तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, दोनों में कॉमन है ना, देखिए जब दोनों में एक अंक कॉमन मिल जाए तो क्या करते हैं, उसी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं सभी संख्याओं को, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है, जिस दिशा में देखते हैं ना क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे करके चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो इसी टाइप से घुमाते हैं। देखिए तो तीन यहां हो गया, तीन यहां हो गया, अब तीन से क्लॉकवाइज चलेगा तो तीन से चार होगा, चार से पांच होगा, ऐसे चलेगा, तो क्या होगा, तीन चार और पांच क्लॉकवाइज में चला लिए, अब इस तीन से चलाइए दूसरे वाले में, तीन से क्या होगा दोस्तों, दो होगा, उसके बाद छह होगा, तो फिर तीन यहां लिख लेंगे, उसके बाद दो, उसके बाद छह, अब देखिए पांच के नीचे क्या आ रहा है दोस्तों, पांच के नीचे आ रहा है छह, तो पांच के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, यानी विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा,
छः होगा, छः देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे चार के विपरीत पे कौन सा होगा, तो चार के नीचे क्या है दोस्तों, दो है, तो चार के विपरीत पे दो होगा। अब देखिएगा, अगर दो के पूछे तो चार होगा, पांच का छः है तो छः का पांच होगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अगर तीन का पूछे तो ये नहीं बोलेंगे कि तीन होगा, क्योंकि तीन के नीचे तीन है तो तीन नहीं, एक से लेके छः तक टोटल अंक होते हैं, चार दो पाँच छः तो मिल गया, और तीन के विपरीत पे कौन सा होगा, कौन सा एक अंक नहीं मिला है, एक नहीं मिला है, तीन का पूछेगा तो एक होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और यह बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं दोस्तों। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। वहां पे दोस्तों आप एकदम बेसिक से मैथ पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए, ठीक है। कुछ दिनों में मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, इसलिए दोस्तों उस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल तरीका बताऊंगा, और सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व करने, सिंपल क्वेश्चन ही ये होता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्नों के लिए, बस ध्यान दीजिए कैसे ये सॉल्व होता है। देखिए प्रश्न ये है, सही विकल्प चुने जो प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, यानी कि दोस्तों मिरर कहाँ लगा, ये देखिए ये वाला जो है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये मिरर है, क्या है, मिरर मतलब शीशा है। अगर दोस्तों यहाँ पे शीशा लग जाए, और ये दोस्तों जो अक्षर लिखा हुआ है ना इस बॉक्स में, क्या लिखा है दोस्तों, मैट्स लिखा है, MATS लिखा है, ठीक है। तो मैट्स को दोस्तों हम कैसे इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए दर्पण दोस्तों दो टाइप के लगते हैं, देखिए एक दर्पण यहाँ पे हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है दर्पण, ऐसे ये जो नीचे वाला लगते हैं ना, तो इसे अगर दर्पण ना बनाए तो यहाँ पे बोल सकता है कि इसका वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जब नीचे दर्पण लगता है तो जल प्रतिबिंब के समान होता है, तो दो टाइप के बनते हैं। देखिए यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब साइड में दोस्तों लगा है तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना लेंगे, देखिए जो आप देखिए इसका उल्टा बस आपको सोचना है, ये दोस्तों पहले क्या है दोस्तों, यहां लास्ट से, ये नहीं कि आप यहां से लिखेंगे, नहीं ये लास्ट है ना इसका, ये वाला अगर जो इमेज देखेंगे ना इस यहां पे दर्पण लगा के भी, तो यस से स्टार्ट होगा, यस दोस्तों सीधा है ना, तो यस हम क्या करेंगे उल्टा बनाएंगे, इस टाइप से बनेगा। टी दोस्तों उसके बाद, टी तो उल्टा सीधा एक समान होगा, यानी उल्टा भी उलट भी देंगे तो ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद ए है तो ए भी पलट देंगे, ऐसे उलट देंगे तो ए उसी टाइप का दिखेगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, एम है तो एम को भी उल्टा कर देंगे, दर्पण में देखेंगे तो उसी टाइप से दिखेगा। तो देखिए इस प्रकार से उल्टा एस टी ए एम किस ऑप्शन में, तो देखेंगे उल्टा एस टी ए एम ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों इस फिगर का वाटर इमेज पूछे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे इसको पलट देंगे, एम क्या हो जाएगा डब्ल्यू की तरह हो जाएगा, पलटेगा तो ये क्या होगा दोस्तों, ऊपर की तरह ऐसे हो जाएगा, टी दोस्तों क्या होगा ऐसे हो जाएगा, और एस दोस्तों पलटेगा तो कैसे होगा बताइए, एस दोस्तों पलटेगा तो इस टाइप से हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए इस टाइप से फिगर बनेगा अगर वाटर इमेज पूछे तो, या जल प्रतिबिंब पूछे तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता हो क्या करेंगे, रीजनिंग का पार्ट नंबर 131 देख लेंगे, पार्ट नंबर 131 का क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 131 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 131 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक क्या ऊपर आई बटन पर दे दूं दोस्तों, यहां आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 131 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है,
चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।